हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बीपी वाइज शो। तो दोस्तों, आज के शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए दिवाली स्पेशल धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो। यस दोस्तों, आज की वीडियो में होने वाला है दिवाली स्पेशल धमाका। हमारे पास हैं दो आलू और हम लोग करेंगे क्या कि पहले एक आलू पर हम ये पटाखा बांध देंगे जो कि है मुर्गा छाप। हमारे यहाँ पर बोलते हैं इसे मुर्गा छाप। इसको हम इस ब्लैक टेपिंग की मदद से इस पर बांध देंगे और उसके बाद फिर हम इसको चलाएंगे, देखते हैं कि ये जो मुर्गा छाप पटाखा है इसका क्या कुछ बिगाड़ पाता है और आलू की क्या हालत होगी। दूसरे आलू को फिर हम दोस्तों लेंगे और उसके ऊपर हम बांध देंगे ये गीता सीता अनार बोम। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि आलू की जो हालत है वो क्या होगी, क्या ये अनार आलू को फाड़ देगा या उड़ाकर ले जाएगा या इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको इस पटेटो के ऊपर इस ब्लैक टेपिंग की मदद से कुछ इस तरीके से लगाएंगे और फिर इसको चलाने के बाद जो नज़ारा होगा वो रियली ऑसम होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं इस पर लगा लेता हूँ ये ब्लैक टेपिंग। अभी हम इस ब्लैक टेपिंग की मदद से इसको लगा देते हैं इस पटेटो के ऊपर। अभी मैं इस पटेटो के ऊपर इस मुर्गा छाप पटाखा के पैकेट को पूरा अच्छी तरह से ब्लैक टेपिंग की मदद से इसे लगा चुका हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने पूरा पैकेट इसके ऊपर लगा दिया है और अब हम इसको यहाँ से चलाएंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा पैकेट सिर्फ यहीं से चल जाएगा। और दोस्तों अब इसके बाद का जो नज़ारा होगा वो रियली देखने लायक होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और मैं इसको चलाने के बाद चला जाऊंगा काफ़ी दूर, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। प्लीज़ दोस्तों आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई मत करना। तो चलिए फटाफट से अभी इसको लगाते हैं आग। तो फैमिली अभी ये कुछ इस तरीके से चलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। यह जो नज़ारा है आपको दिखा कर ही रहेंगे। अभी हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा हम कूड़ा यानी कि ईंधन लेकर के आते हैं, यहाँ पर रखते हैं और फिर आग चलाने के बाद इसको उसमें रख देते हैं। इससे नज़ारा और भी भयंकर देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा कुछ इस तरीके से ताकि अच्छे से चल पाए और उसके बाद हम डाल देते हैं कुछ इसके ऊपर से ये ताकि इसमें आसानी से आग लग सके। वाओ, हो गया धमाका। ये हमारा पोटैटो और ये रही इसकी टेपिंग और पोटैटो का हमारे का कुछ भी नहीं बिगड़ा, यानी कि हमारा जो आलू है जो ऐसे का तैसा ही है और मुर्गा छाप का जो पटाखा है वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो अभी दोस्तों हम ट्राई करते हैं सेकंड राउंड, जिसमें कि हम लगाने वाले हैं इसी आलू के ऊपर दो अनार बॉम्ब। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि वो अनार बॉम्ब्स इस आलू का क्या बिगाड़ पाएंगे। अभी फाइनली मैं एंड सीता एंड गीता ये अनार बॉम्ब्स को इस आलू के ऊपर लगा चुका हूं और ये काफी अच्छा वाला एक स्टैंड बनके तैयार हो गया है। तो अभी मैं फटाफट से इनको रखता हूं और फिर इनको चलाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये अनार बॉम्ब्स इस आलू का क्या बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इन दोनों को रख दिया है यहाँ पे और फिर से मैं इन दोनों को चलाऊंगा और मैं चलाऊंगा दूर, क्योंकि यहाँ पर ये काफी डेंजरस हो सकता है। प्लीज आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। तो इनको आग लगाता हूँ और इस बार नजारा रियली देखने के लायक होगा, रियली देखने के लायक होगा और शायद धमाका भी काफी बड़ा हो सकता है। तो चलिए फटाफट से इन दोनों को लगाते हैं हम आग। गाइज, इस बार रियली आपके पोटैटो की हालत खराब हुई है और मेरे दोनों कान हो चुके हैं बंद, क्योंकि धमाका काफी तेज हुआ है।
और धमाका होने के बाद दोनों नार बॉम्ब्स पता नहीं यहाँ से कहाँ पर भाग गए। रियली दोस्तों जो धमाका था वो काफी तेज था, मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे रियली काफी अच्छा लगा ये हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट को सफल बनाकर। यदि आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इस फैमिली का हिस्सा बन जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना।